हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ किडनी के बारे में, यानी कि रक्त के क्या कार्य होते हैं। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट टू वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने जो इंट्रोडक्टरी वीडियो अपलोड की थी, उसमें बेसिकली आपके जो टाइप्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने किडनी को डिस्कस किया था। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वहाँ समझ लिया है। अगर अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद आप किडनी के फंक्शंस को देख सकते हैं। किडनी के फंक्शंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या हमारे शरीर में वृक्क के कार्य होते हैं, वो किस तरीके से हमारी बॉडी में डिफरेंट वर्क करता है, और हमारी जो बॉडी है उसमें के आंतरिक वातावरण को, मतलब इंटरनल जो एनवायरनमेंट है, उसको बैलेंस रखता है, उसको स्थायी रखने का काम करता है। इस जो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो वर्क होता है, इसको हम सम स्थिति कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बात करें तो होम्योस्टेटिस कहते हैं, जिसके थ्रू हमारे जो किडनीज हैं हमारी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने का काम करती हैं। तो किस किस तरीके के काम हमारी बॉडी में किए जाते हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम मेन एक जिस्ट की बात करें, मतलब एक सारांश की बात करें कि किस तरह क्या काम करता है, तो जो हमारे रक्त में सांद्रण, रक्त के जो सांद्रण है उसको बनाए रखने का काम करता है, मतलब जो ब्लड का कंसंट्रेशन है उसको प्योर रखने के लिए, उसको एक्चुअल में जो होना चाहिए वो रखने के लिए हमारी किडनीज वर्क करती हैं। जैसे कि किस तरीके से काम करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा चीज है उसको बॉडी से बाहर निकाल देती हैं, संश्लेषण करती हैं, निर्माण करती हैं और स्त्रावण करती हैं। मतलब ये वो फोर पिलर्स हैं जिसके बेसिस पर वृक्क के कार्य किए जाते हैं। मतलब हमारे ब्लड में ब्लड का कंसंट्रेशन ठीक रखने के लिए ये फोर पिलर्स वर्क करते हैं, जो कि हमारे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हेल्पफुल हैं। इन्हीं चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी बात आती है कि सबसे मेन वर्क क्या है, मेन फंक्शन क्या है इसका। तो इसका सबसे बड़ा काम है रक्त के संगठन के नियतांक पर स्थिर रखना, यानी कि जो भी असामान्य या फिर एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना। जैसे कि एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, इनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम और रक्त के संगठन को सही रखने का काम हमारी बॉडी में किडनीज के थ्रू ही किया जाता है। जो भी असामान्य अवयव होते हैं, जो चीज़ें हमारी बॉडी को पॉइजन, जो हमारी बॉडी में पॉइजन क्रिएट कर सकती हैं, विकार उत्पन्न कर सकती हैं, जो हमारे ब्लड में नाइट्रोजन और गंधक प्रोटीन है उसके उत्पादन को डिसबैलेंस कर सकती हैं, उन सारी ही चीज़ों को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अगर मतलब हम अतः एक बात कहें कि वृक्क यूरिया, यूरिक अम्ल, हाइपोरिक एसिड और सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड, सल्फेट और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। ब्लड में जो भी आवश्यकता से अधिक जल है उसको भी बॉडी से बाहर निकालने का काम हमारी किडनीज करती हैं। तो इस तरीके से वृक्क में छानने की प्रक्रिया बहुत ही सहजता से और सरलता से होती है, जिसके द्वारा हमारे बॉडी को क्लीन और क्लियर रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है विषों, औषधियों तथा रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन। जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, ड्रग्स हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उनको बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम भी हमारी किडनीज के थ्रू किया जाता है। ये जो टॉक्सिन रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये निष्कासन इनका वृक्क शरीर के कई प्रकार के रोग, मतलब अगर इनका एक्सक्रीशन ना हो तो इसमें हमारी बॉडी में कई तरीके के रोग हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति जो है वो अस्वस्थ हो सकता है। तो इन सभी का जो एक्सक्रीशन है वो भी हमारी बॉडी में, इन हानिकारक पदार्थों का एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में किडनीज के थ्रू होता है। और अम्ल और क्षार का संतुलन भी हमारी बॉडी में वृक्क के द्वारा होता है, जिसमें जो ब्लड है उसमें हाइड्रोजन आयरन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्थिर रखा जाता है, ताकि कोई भी जो वृक्क है, क्योंकि वृक्क द्वारा अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ छाने जाते हैं, और इसके थ्रू क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि हाइड्रोजन आयन्स का जो सांद्रण है, उसको स्थिर रखा जाता है, जिससे कि ब्लड का पीएच अपने आप संतुलित रहता है। जो अगर हमारा पीएच एक नियतांक से अधिक या फिर मतलब ऊपर नीचे अधिक या कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिजीजेस जो हैं वो क्रिएट होने लगती हैं। तो जो उपापचय में उत्पन्न अनेक अम्लों की मात्रा जो रुधिर में बढ़ती रहती है, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में ये अम्ल क्षार का संतुलन का काम करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्रिया में ये हमारे भाग लेते हैं। फिर उसके बाद आता है फोर्थ,
लवणों का निष्कासन एवं पुनर्वशोषण, मतलब रीएब्जॉर्प्शन, एसिड जो आपका रीएब्जॉर्प्शन है लवणों का वो, और उनका एक्सक्रीशन, या फिर हम कहें एक्सक्रीशन एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स। तो हमारी बॉडी में वृक्क से पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम के क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑक्सलेट आदि ये सभी उत्सर्जित होते रहते हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा मतलब इनमें से अधिकांश भोजन द्वारा सब्जियों से प्राप्त होती हैं ये सारी चीज़ें। और रक्त हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, तो लवण की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन हो सकती है, अतः रक्त की क्षारीयता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त लवण को निष्कासित करना पड़ता है। ये लवण जो शरीर के लिए लाभदायक एवं आवश्यक होते हैं उनका पुनर्वशोषण यानी कि रीएब्जॉर्प्शन हमारे वृक्क के द्वारा कर लिया जाता है, और जो यूजलेस होते हैं उनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है हाइड्रोजन आयतन के सांद्रण को बनाए रखना, मतलब मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रोजन वॉल्यूम कंसंट्रेशन। वृक्क के द्वारा अमोनिया NH3 जो होता है अमोनिया उत्पन्न होता है, अमोनिया क्षारीय प्रकृति का होता है, और यह रक्त के हाइड्रोजन आयतन सांद्रण की स्थिरता स्थिर रखने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारा आता है नए पदार्थों का निर्माण नए पदार्थ यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। वृक्क से एक विशेष द्रव्य निकलता है, ये द्रव्य धमनी तनाव यानी कि जो आपका जो आर्टेरियल टेंशन है उससे संबंधित होता है। जैसे ही इस विशेष द्रव्य की मात्रा अधिक हो जाती है, मतलब ये ज्यादा सीक्रेट होने लगता है, तो रक्तचाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। वृक्क नए पदार्थों का निर्माण करता है जैसे अमोनिया, हाइड्रोटिक एसिड, अकार्बनिक फॉस्फेट आदि। इनमें से अमोनिया रक्त में रक्त अम्लक्षार के संतुलन के लिए हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर का जो रेगुलेशन का काम है वो भी नए पदार्थ के निर्माण के द्वारा हमारे वृक्कों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है परिसरण दबाव को नियंत्रित रखना, परिसरण दबाव यानी कि रेगुलेशन ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर। जो हमारी बॉडी है उसमें ऑस्मेटिक प्रेशर को नियंत्रित करने का काम हमारी किडनीज के द्वारा एक्स्ट्रा वाटर, एसिड और जो बेस है इसके निष्कासन के द्वारा हो जाता है। इससे इसमें मतलब बेसिक जो आप देखेंगे तो एसिड बेस का जो मेंटेनेंस है वो रखना हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके थ्रू अगर आपका अगर ये अगर मेंटेन नहीं रहेगा, ये कम या ज़्यादा होगा, तो इससे डिफरेंट डिजीजेज आपकी आने लगेंगी, आपके जो ब्लड प्रेशर है वो भी डिसबैलेंस हो जाएगा, आपका जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है उस वो भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारी बॉडी है उसमें ज़्यादा पानी पीकर और इन पीकर हम इन सारे संतुलन को बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा के नियतांक तक बनाए रखना, मतलब ग्लूकोज भी क्योंकि एक्स्ट्रा जो हमारी बॉडी में होता है वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो हमारी बॉडी में एक निश्चित मात्रा में ग्लूकोज को बॉडी में रखने के लिए भी हमारी जो किडनीज हैं वो हेल्पफुल होती हैं। ग्लूकोज अधिक अथवा कम हो जाता है तो ये सामान्यता ये जो लक्षण है ये हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ये जो बीमारी है रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा जब हो जाती है तो हम इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इस टर्म को आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ये हमारी बीमारी हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। जब बढ़ रहा है तो हाइपरग्लाइसीमिया, और जब कम हो रहा है ब्लड ग्लूकोज तो वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दोनों ही कंडीशंस जो हैं वो हेल्प मतलब हानिकारक होती हैं। तो इस अवस्था में जो हमारा जो वृक्क है, जो किडनीज हैं, वो शुगर का उत्सर्जन नहीं कर पाती हैं, शर्करा का उत्सर्जन नहीं कर पाती हैं, बल्कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में आकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और ताप उत्पन्न होता है, मतलब हमारी बॉडी में और हीट पैदा होने लगती है, जिससे और इससे क्या होगा कि अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। लेकिन डायबिटीज़ की अवस्था में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदलना संभव नहीं हो पाता है अगर डायबिटिक हो जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन के अभाव में ये जो दशा है इसमें ऊतकों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं।
तो इससे होता क्या है, रक्त में जो ये जो सारी चीजें हैं वो हमारे ब्लड में जमा होने लगती हैं, जिससे कि ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। जैसे ही ब्लड ब्लड में आपकी शुगर का लेवल बढ़ने लगेगा, आवश्यक मात्रा से ज्यादा हो जाता है, वैसे ही जो हमारी किडनीज हैं वो प्रक्रिया करती हैं और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको हमारे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं, पास ऑन कर देती हैं। रक्त के द्वारा ग्लूकोज का जो उत्सर्जन है वो तब तक होता रहता है जब तक कि रक्त में ब्लड शुगर का जो लेवल है वो एक नॉर्मल ना हो जाए, नॉर्मलाइज ना हो जाए, तब तक ये इसी तरीके से वर्क करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक एट अ ग्लांस, हमारे पास मुझे कुछ और भी नोट्स मिले हैं और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं से कनेक्टेड हैं आपकी, कि हमारी किडनीज कैसे फंक्शन करती हैं। तो ये मूत्र का निर्माण करने के लिए हेल्पफुल है। देखिए, जो भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको निकालने की एक सहारा चाहिए, वो सहारा क्या होता है, पानी होता है। और वो पानी हमारी बॉडी में किस फॉर्म में बाहर एक्सक्रीट होता है, यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। तो ये ऑटोमेटिकली यूरिन का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट आता है ये रक्त में जल संतुलन, पीएच लेवल और अम्ल क्षार का बेस मतलब एसिड बेस का जो बैलेंस है उसको बनाए रखने में भी हेल्पफुल है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है, ये हमारे जो एक्सक्रीटरी मेटल्स होते हैं उनको को सॉल्वेंट्स में चेंज कर देती हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ यूरिया तथा यूरिक एसिड के रूप में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा यह शरीर में टॉक्सिन्स, जो कुछ दवाइयों या विषैले पदार्थों का उत्सर्जन करने में सहायक हैं। देखिए, बातें वही हैं पर उनको एक अलग तरीके से न्यू लैंग्वेज में बताया गया है, जो चीज़ें हमने अलग 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 पॉइंट्स में पढ़ी हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि ये सारी चीज़ें, पीएच बैलेंस है, वाटर बैलेंस है, आपका एसिड बेस बैलेंस है, इसको हमने अलग अलग पॉइंट्स में देखा था, तो उन्होंने इन्हीं बातों को एक ही पॉइंट में कह दिया है। फिर नेक्स्ट है हमारा किडनीज के काफ़ी इंपॉर्टेंट और अति आवश्यक पदार्थों का सांद्रण करने से सहायता करता है और किसी भी कंपोनेंट के उतार चढ़ाव को नियंत्रित रखता है और उसमें सामान्य स्तर लाने के लिए, मतलब जो उसका एक बैलेंस स्तर होता है उसको ले आने में हेल्पफुल होता है। यहाँ पर अमोनिया, हाइड्रोटिक एसिड और अकार्बनिक फॉस्फेट का संश्लेषण होता है, जिससे रक्त का अम्ल क्षार का संतुलन बना रहता है। तो इस तरीके से हमने देख लिए हैं रक्त के कार्य, मतलब हमारी बॉडी में वाटर का आपका संतुलन, आपके लवण का संतुलन, आपके अम्ल क्षार का संतुलन और आपकी जो होम्योस्टेसिस की जो स्टेज है उसको बनाने के लिए हमारे जो रक्त हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए हमारे जो किडनीज हैं उनकी हमें सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप डेली कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी पिएं गर्मियों में, और इससे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे किडनीज के लिए बहुत ही हेल्दी होती हैं, क्योंकि इनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। और अगर आपको यूरिन पास करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी आपका यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर्स को दिखाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके किडनी से रिलेटेड हो सकता है। और किडनी और जो आपके यूरिनरी ट्रैक है वहाँ पर अगर संक्रामक रोग हो जाता है तो ये और भी ज्यादा घातक हो सकता है। तो इन सारी चीजों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कोई भी किडनी से रिलेटेड डिजीज होती है तो बॉडी को डायलिसिस पर रखना होता है। डायलिसिस में क्या होता है कि जो आपके कृत्रिम रक्त होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल जो किडनीज होती हैं, उनसे होकर ब्लड को गुजार कर प्योरीफाई करके हमारी बॉडी में एड किया जाता है। ये बहुत ज्यादा खर्चीला और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसीलिए इन सब चीजों से बचने के लिए आपको अपनी किडनीज को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर डायलिसिस के लिए मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायलिसिस किस अंग से संबंधित है। मतलब वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको याद रखना है कि जब किडनीज, मतलब किडनीज और ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए किडनीज का सेंटर रखते हुए डायलिसिस की प्रोसेस की जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी और आपके लिए ये टीजीटी और पीजीटी के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि एग्जाम अब पास ही है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो अपने प्रिपरेशन को थोड़ा स्पीड अप करते हैं और तैयारी को तेज करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं वो रोज रात को 10 बजे, संडेज ऑफ अदर देन संडे, मंडे टू सैटरडे रोज रात को 10 बजे आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी क्वेश्चन क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और बेल आइकन प्रेस करते वक्त उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक करें, जिससे आपको लाइव का नोटिफिकेशन भी जल्दी से जल्द देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।